छठ पूजा चल रहा है इसीलिए सबको फूल चाहिए। सुबह सुबह पेड़ सबसे जो पेड़ सब में हम लाते थे वो पेड़ सबसे तोड़ के ले चले गए हैं, इसीलिए मेरा जितना पेड़ में है उसी में पूजा हो जाएगा। मेरा फ्रेंड का घर से थोड़ा सा लाए हैं, बस उसी में हो जाएगा। भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का अभी 8 बज चुका है, थोड़ा लेट हो गया मेरा, रात को लेट से सोए इसलिए सुबह जगने में लेट हो गया। अभी तड़का बना लिए हैं, जो उड़द को भिंगाए नहीं थे, गोटा उड़द को वो कल रात को नहीं बनाए थे क्योंकि कल दिन सुबह का सब्जी था, अब भी उसको तड़का बनाए। और इधर आटा सानना है रोटी बनाने के लिए। तड़का रोटी बन के रेडी हो गया हम खाने। दुखी है, हम लोग आज छठी माता का जो ये है क्या बोलते हैं इसको, समा नहीं छठ खरना बोलते हैं यहाँ पर, मतलब प्रसादी खाया जाता है। आके सब घर में बुला के गए थे इसलिए धीरे धीरे हम चल के उनका घर चले गए हैं, वहाँ प्रणाम करें प्रसादी लेके आ गए हैं। वहाँ उन लोग का ना ये छठी माता का ना गाना बज रहा था इसीलिए ना आप लोग को वहाँ कुछ बात नहीं किए हैं ना। सोमा के प्रसादी खा रही है ना, सोमा बात नहीं कर पाए वहाँ, बात नहीं कर पाए इतना, मतलब चारों तरफ बज रहा है गाना बज रहा, तो कैसे बात करें, खाली दिखाएं थोड़ा बहुत दिखाएं, उतना नहीं दिखाएं अभी। इनका घर से छठ माता का प्रसाद खा के आए, खा के नहीं आए लेके आ गए थे। मैंने बगल में भी यहाँ दो घर में बुलाए थे तो एक घर गए एक घर नहीं गए क्योंकि बेटा का फ्रेंड है, इसीलिए हम सोचे बेटा जाएगा बोल के इसीलिए नहीं गए हम। बेटी जो दिन का सब्जी बनाई थी आलू कुंदरू फ्राई की थी वही था, उसी में खसरी रोटी बनाई, उसी में ये डिनर हो गया। अभी कुछ बनाए नहीं और क्योंकि मेरा कमर में थोड़ा दर्द है, हम काल से सोए हैं, दीदी भी चली गई, मन बड़ी दुखी है, ढेर दिन के बाद आया था, रुकती थोड़ा काम था उसका इसीलिए चला गया। ये देखिए पातलू यहाँ सोया है, उसको बड़ा सा कपड़ा दिए लेकिन वो पैर में इधर उधर करके छोटा कर दिया, अरे एक सिर्फ थोड़ा सा करके सोया है। ये लोग ओढ़ने नहीं सकता है क्योंकि लोग को ओढ़ा देने से ना गिरा देता है, लोग बिछा करके सोता है, जमीन में बिछा दीजिए उसका ऊपर सो जाएगा लेकिन ऊपर से ओढ़ नहीं सकता है लोग। वो लोग छठ पूजा का जो पूजा करते हैं ना, आज दिन भर उपवास है, आज पूजा करके वो लोग थोड़ा चना का सब्जी और शायद नहीं जो पूजा करते वही प्रसाद दिन भर में शायद एक बार खाए होंगे, चना का सब्जी और हलवा चावल शायद, और आप भी वो लोग जो प्रसादी किए वही खा के पानी खाएंगे, फिर काल दिन भर परसू जाके वो लोग सुबह पूजा करके फिर जब तालाब से आते हैं उसका बाद खाना खाते हैं। तो इसीलिए कल शाम को भी बुलाए हैं, देखते हैं जा पाएंगे ना नहीं। परसों सवेरे भी बुलाए, बोले आइए बगल में घाट है, मेरा बगल में यहाँ दीदी था, अगले साल आप लोग को दिखाएं, जो मेरा फ्रेंड नहीं हुए हैं उन लोग देखे नहीं होंगे,
वो जो देखे हैं वो जानते होंगे, बगल में एक दीदी है वो गांव गए हैं, ये लोग गांव में भी करते हैं इसीलिए वो अभी बगल में नहीं है, तो इन उन्हें तो इन्हीं का साथ जाते थे। अब जब रेंट में रहते थे जिनका घर आ गए थे उन्हीं का साथ जाते हैं, हमेशा जाते थे छठ माता का पूजा देखने के लिए। तालाब देखते हैं थोड़ा दूर पड़ गया, जाएंगे कि नहीं शाम को, बेटी बोल रही जाएंगे, देखते हैं जा पाएंगे, तो कमर में दर्द है, ठीक होगा तो अच्छा लगेगा तो जाएंगे, और नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं जाएंगे। आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल नहीं ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। गुड नाइट, बाय।